जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो समय मैं आ चुका हूँ दशा समेत घाट साइड में। पीछे देख रहे होंगे जो कि काम चल रहा है, जो घाट बन रहा है पक्का घाट, उसका काम चालू है पूरा। और जस्ट हमारे सामने यहाँ पे गंगा जी पड़ जाते हैं और सामने वो देख सकते हैं मेला का नज़ारा। हालांकि वो मेला धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इस टाइम शाम के 4:15 बज रहे हैं और बूंदाबांदी हो रही, बारिश होने वाली है। मौसम देखिए कितना जो है इस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं यहाँ पे दारागंज का वर्क अपडेट, जो पक्का घाट बन रहा है वो कितना बन चुका है। और इसके बाद चलेंगे जो है नागवासुकी मंदिर, वहाँ पे भी काम चालू है। जो नागवासुकी मंदिर है वो भी काफी अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पूरा इस तरीके से पाइप लगा के पानी निकालते हैं और इधर पूरा बालू जो है इकट्ठा कर लिए हैं और यहाँ पे सरिया वगैरह पूरा जो है वो इकट्ठा करके अपना वो बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बैरिकेटिंग इस तरीके से जो है सरिया गाड़े हैं, इसी के उस पर बनाएंगे जो है पिलर जो रहता है उसको बनाएंगे। ये जो पुल है पीपा पुल, इस पर जो है जो लाइट लगी थी वो निकाल दी गई है। अब इधर की पुल नंबर 1 और 2 पे आपको देखने को मिलेगा लाइट, लेकिन अभी इधर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये पिलर जो है पूरा बन चुका है इधर साइड का भी और काम चालू है पूरा, इतना कंप्लीट हो चुका है। इधर साइड में भी सरिया वगैरह लगा नीचे से और वो मिक्सिंग वाली मशीन जो है वहाँ पे लगी हुई है, पूरा काम चालू है। तो ये है दशा समेत घाट मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरा चारों तरफ से पत्थर लगाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी बनाई जा रही है डिजाइन। पहले तो एकदम नॉर्मली ईंट की तरह दिखता था, लेकिन अभी इस पर पत्थर चारों तरफ लगा के ये डिजाइन वगैरह देख सकते हैं, ये अलग अलग डिजाइन के पत्थर इस पर लगाए जा रहे हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ दशा समेत घाट मंदिर से नागवासुकी मंदिर के साइड में और वहाँ पे दिखाते हैं आप सभी को वर्क अपडेट जो है। तो भाई इस टाइम मैं हूँ नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने साइड में, यहाँ पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जस्ट यहाँ पे दिखाते हैं ये है नागवासुकी मंदिर, वे ऊपर चलेंगे लेकिन यहाँ पे साइड साइड में देख सकते हैं दुकानें वगैरह लगी हुई है। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे देखिए कि दीवार बन रही है, मतलब इसके ये किनारे किनारे देखिए पूरा इसको दीवार बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आज देख सकते हैं संडे, अभी बूंदाबांदी हो रही थी इसके लिए ये खाली है, नहीं तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे ये सरिया का इस तरीके से बाउंड्री बना रहे हैं, उधर से पत्थर हटा के ये पत्थर आ गया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इधर पूरा बाउंड्री कर देंगे तो इधर से ये लॉक हो जाएगा, अंदर साइड में पानी एकदम से नहीं जाएगा और ये चीज़ सेफ रहेगी ताकि जो है पानी जब बढ़ता है तो इधर से खिसकने का जो डर रहता है वो नहीं रहेगा। काफ़ी अंदर तक ये पत्थर डाला हुआ है। नागवासुकी मंदिर के जस्ट सामने यहाँ से एक रोड बनाई गई है जो कि ये है टेम्परेरी पीपा पुल बनाया गया, इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ से ही वो उधर जो है मिट्टी वगैरह जलाने के लिए देख सकते हैं वहाँ पे बस वगैरह दिख रही है, तो वहाँ पे इतनी दूर जो है कर दिया गया है क्योंकि इधर चल रहा था मेला, मेले की वजह से उधर मिट्टी वगैरह जलाना बंद हो गया था, तो इसकी वजह से इधर से पूरा सिस्टम कर दिया गया है। तो भाई जब हम लोग चल रहे हैं जस्ट ऊपर साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे घूम टहल रहे हैं और जस्ट सामने आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्लास्टर वगैरह हो रहा है और इधर भी पत्थर वगैरह रखे गए हैं ढेर सारे जो है, यहाँ पे काम चालू है। ये इधर साइड में बन गया है और इनको देखिए यहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं किस तरीके से। तो जस्ट अब हम लोग चलते हैं ऊपर सीढ़ी से, तो हम पहुंच गए हैं ऊपर और ऊपर से देखिए ऊपर भी पूरा एकदम तहस नहस हुआ है क्योंकि काम चालू है, तो काम जब चालू है इसके वजह से पूरा बिखरा हुआ है। और इधर साइड पे देख सकते हैं जहां से एंट्री करते हैं सामने वहां पे भी जो है, और ये है नागवासुकी जी का मंदिर, यहाँ पर देख सकते हैं आज उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल जो है लोग आ जा रहे हैं
और हम आगे चल के दिखाते हैं इधर से सीढ़ी की तरफ से जहाँ से एंट्री करते हैं। इधर देखिए कुछ इसको मतलब एक गली टाइप का बना दिया जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है आप एंट्री करते हुए यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। अभी इधर साइड साइड देख सकते हैं पिलर बन चुका है, और यहाँ से दिखाते हैं आपको जो है जो वो वाला भीष्म पितामह जी का जो मंदिर बन रहा है वो साइड में देख सकते हैं। पहले नॉर्मली था, ब्लॉक था एकदम, अभी ये साइड साइड देख सकते हैं मंदिर के जस्ट साइड साइड का एरिया है, और यहाँ पे भी चारों तरफ काम चालू है देख सकते हैं। इस समय हम लोग आ चुके हैं माघ मेले में, जो कि तारों का शहर था। इस समय जो है धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, तो काफी ज्यादा जो है चीजें निकल चुकी हैं, जो तंबू उम्बू थे बहुत सारे निकल चुके हैं। 8 तारीख को फाइनल रहेगा जो कि महाशिवरात्रि रहेगा, और उसके बाद जो है ये मेला पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, फिर अगले साल आपको देखने को मिलेगा। तो आज देख सकते हैं हम लोग जो है शास्त्री पुल के जस्ट बगल में है, यहाँ पे है शास्त्री पुल, और ये पूरा स्थान तंबू लगा हुआ था, इस टाइम देख सकते हैं पूरा निकल चुका है, एकदम पूरा समाप्त हो चुका है। आपको बीच बीच में कुछ दिखे जाएंगे जैसे यहाँ पे लगा है, और पुल ढाकने के बाद जो है इधर साइड में जो पीपा पुल है ढाकने के बाद इधर कुछ चीजें लगी हुई हैं, जैसे इधर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जहाँ पे प्रशासन है, जैसे ये सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर वगैरह पूरा चीजें लगी है, तो इसके लिए ये भी अभी बचा है। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे जो है समाप्त हो रही है, यहाँ से सब कुछ निकाला जाएगा, और 8 तारीख को फाइनल रहेगा, उसके बाद जो है ये पूरा निकाल दिया जाएगा। एक दो तंबू उधर साइड में दिख रही है, तो अभी हम लोग जो है पीपा पुल नंबर 2 की तरफ से जा रहे हैं दूसरी साइड से, फिर उधर से टर्न लेके हम लोग चलेंगे उधर जो लोअर मार्ग आता है मेन संगम साइड में, उधर देखेंगे, उधर से भी आपको नजारा दिखाएंगे और सारा कुछ कवर करके आपको दिखाएंगे कि अभी कितना बाकी है। पहुंच चुके हैं झूसी के साइड में, इधर सामने झूसी पड़ेगा, ये देख ही सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है झूसी की, और हम लोग जिस चौराहे पे खड़े हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी तंबू आपको नजर नहीं आएगा, एक वहाँ पे है तंबू, और इधर भी तंबू पूरा समाप्त हो चुका है, सामने झूसी है और उधर एक किनारे पे तंबू है, और ये चौराहा पड़ता है, इधर भी कोई तंबू नहीं है, और वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ट्रक वगैरह खड़ा है, तो वहाँ पे सामान वगैरह जो है भर के लाद के लेके जा रहे हैं। और ये पूरा जो है अभी रोड को पूरा खोला नहीं गया, तो अभी हम लोग इधर से चल रहे हैं संगम की तरफ, लोअर संगम जो लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पाइप वगैरह भी निकाल दिए गए हैं, जो पानी का सप्लाई था वो भी इधर निकल चुका है पूरा, इधर भी पूरा खुल गया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है लाद उद के जा रहे हैं, ये पूरा तंबू वगैरह जो है खोल चुके हैं, और गाड़ियां आ चुकी हैं लद के, पूरा सामान लेके जा रहे हैं।